Hello everyone, today we are doing another IELTS cue card and our topic for today is describe a time you taught something new to a younger person. ऐसे टाइम की बात करनी है जब आपने अपने से किसी छोटे को कुछ नया सिखाया हो. Now, in this cue card you should mention whom you taught, आपने किसको सिखाया, why you taught, आपने क्यों सिखाया, how you taught and how did you feel about it. आपने कैसे सिखाया और आपको उन्हें कुछ नया सिखा के कैसा लगा. Alright, you can start this cue card with teaching someone can be a learning experience in itself. There is an old saying that one learns best when they teach others. किसी को सिखाना है खुद में एक बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है. और एक बहुत ही पुरानी सेइंग है, बहुत ही पुरानी कहावत है कि किसी को सिखाते सिखाते या फिर दूसरों को सिखाते सिखाते आप खुद बहुत कुछ सीखते हो. अ टीचर ऑल्सो एक्सपीरियंसेस द प्रिविलेज ऑफ शेयरिंग देयर नॉलेज विद अदर्स. हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन आई टॉट समथिंग टू माय कजिन. एक जो टीचर है उसके पास भी प्रिविलेज आती है कि वो अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर कर सके. एनीवेज, यहाँ पे मैं बात करूँगी कैसे टाइम की जब मैंने अपने कज़न को कुछ सिखाया था. I got this opportunity last summer when my cousin came to our house to spend her summer vacations. She was in second standard at that time. तो मुझे ये कुछ नया सिखाने की opportunity मिली थी last summer में जब मेरी cousin मेरे घर आई थी सब अपनी summer vacation spend करने के लिए. वो second standard में थी उस time पे. She got a lot of holidays homework to complete before going back to school for the next term. She is very intelligent and does not usually need any help from others when it comes to studies. But this time she had to make an art and craft project which she had no idea about. So वैसे तो वो second standard में थी and उसको बहुत सारा holiday homework मिला था complete करने के लिए school जाने से पहले. और क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट और नॉर्मली उसे ज़रूरत पड़ती नहीं है हेल्प की दूसरों से, लेकिन इस बार उसे हॉलीडेज होमवर्क में मिला था एक आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट जिसके बारे में उसको कोई आइडिया नहीं था. सो शी आस्क्ड मी टू हेल्प हर विद हर वर्क. आई वॉज हैप्पी टू हेल्प हर विद दैट. तो उसने मेरे से हेल्प मांगी एंड आई वॉज हैप्पी टू हेल्प हर. To talk about the project in brief, it had to be something made from useless things that can be finally used for some purpose. So, we decided to make a nest for birds. So, उस project के बारे में बात करें अगर, तो वो था कि आपको useless चीज़ों से कुछ ऐसा बनाना है जिसको हम एक purpose के लिए use कर सकें. इसलिए हमने decide किया हम एक birds nest बनाएंगे. We got an empty shoe box and put some leaves and some twigs into it. Then we made a hole into the upper lid of the box for the birds to enter into it. The finished craft work was looking very nice as we had also painted on it. So, हमने एक bird nest बनाने का सोचा. हमने एक empty shoe box लिया जिसमें हमने थोड़े से पत्ते और थोड़े से तिनके डाले. उसके बाद जो शू बॉक्स का अपर लिड था उसको बंद करने के लिए जो लिड होता है उसमें हमने एक होल बनाया जिससे बर्ड्स उसके अंदर एंटर कर सकें. और जो फिनिश्ड फाइनल प्रोजेक्ट था हमारा वो बहुत सुंदर लग रहा था क्योंकि हमने उसके ऊपर पेंटिंग भी बनाई थी. आफ्टर द समर ब्रेक व्हेन शी वेंट बैक टू हर स्कूल शी सबमिटेड द प्रोजेक्ट टू हर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर. हर टीचर प्रेज्ड हर अ लॉट एंड गेव हर ए प्लस ग्रेड इन द असेसमेंट. She told me about it on the call and I could feel the happiness in her voice. It felt so good that I could help her with learning something new. So, summer break के बाद जब वो अपने स्कूल वापस गई और उन्होंने अपना वो प्रोजेक्ट सबमिट किया अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर को, उनकी टीचर ने उनकी बहुत तारीफ की एंड उन्हें असेसमेंट में ए प्लस ग्रेड मिला. उसके बाद मेरी कज़न ने मुझे कॉल करके बताया एंड उसकी आवाज़ से ही मुझे पता लग रहा था वो कितनी खुश है. And at the end, I was happy कि मैं उनकी कुछ नए सीखने में help कर पाई. So guys, this was our cue card for today. I hope you liked it and thank you for watching.